हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया हैं और अपने अपने घरों में मौज ले रहे हैं। तो जैसा कि आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, मेरे टिकटॉक पे देखा होगा कि मैं एक एक करके नहीं, मतलब कई बार बहुत सारों को लपेट लेता हूँ, बट कई बार एक आधो को कि टिकटॉकरों का रोस्ट कर रहा हूँ। मतलब ये मत समझना कि मैं इनको हेट करता हूँ, बस मेरे हिसाब में अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, अपना व्यू रख रहा हूँ कि मेरे हिसाब से जो जो कूड़ा टिकटॉक पर भर रखा है मैं उनको आप लोगों के सामने लाऊँ। और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनको फॉलो करते हो, जो इनको फैन होगा, जो इनको टिकटॉक स्टार समझता होगा, उनको छोटी सी बात कहनी है, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और जिस टिकटॉक पे मुजरा करने वाले को तुम स्टार समझ रहे हो उसे बावड़ी गैंड कहते हैं। चल बे, हट, मुझे लगा किस करेगा साले। चलो ये तो भी कुछ सच्ची बात है। अब इनकी थोड़ी सी ऐसी कर ली जाए, उसी कूड़ेदान में से मैं थोड़ा सा कूड़ा इकट्ठा करके लाया हूँ। मतलब इनकी कुछ वीडियोस लेके आया हूँ, लानना तो भगवान का समय लाख वीडियो इकट्ठी कर देता बट मेरे से झेल ही नहीं जाती, तो थोड़ी सी वीडियो लेके आया हूँ। तो शुरू करते, पहली वीडियो देखो, तुम्हारी अभी स्क्रीन पे आ जाएगी। देखो क्योंकि दानव हूँ भगवान नहीं, रावण हूँ मैं राम नहीं। देखी वीडियो, इसमें छोरा कह रहा दानव हूँ भगवान नहीं, बेबी रावण हूँ मैं राम नहीं। ठीक है भाई, तेरी बात मान ली। एक बार मेरे कैसे इसकी शक्ल देख लो, तुम्हारी स्क्रीन पे चलाऊंगा, 2 सेकंड के लिए शक्ल देखो। देखी, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा, मतलब इसी टॉपिक के ऊपर है। लॉकडाउन से पहले ना भाई मैं अपने प्लाट पे जाया करता, प्लाट मतलब तुम लोग समझ नहीं आएगी, प्लॉट कहते हो तुम उसको, बट हम प्लाट कहते हैं। मैं अपने प्लाट पे जाया करता, हमारा प्लाट ऐसा, उसके ना 4 दीवारी नहीं हो रखी, मतलब वो प्लॉट नहीं होते जो मतलब खुले होते हैं जिनमें कूड़ा वूडा पड़ा होता है, साफ सफाई की जरूरत होती है। तो भाई मैं जाया करता वहाँ पे देखने की आसपास क्या कंस्ट्रक्शन वंस्ट्रक्शन चल रही है। तो हमारे प्लाट में ना कूड़ा पड़ा है, तो वहाँ ना 2 बाल पन्नी चुग रहे। अब मतलब ये मत समझना कि भाई मैं पन्नी चुगने वालों को मजाक उड़ा रहा हूँ, तुम सुन लो। तो भाई मैं कहा यार इनकी जिंदगी भी कति खराब हो रखी है, मैंने तो पैसे वैसे दिए, मैं काम करो बेटा घर जाओ तुम। तो आज मैंने वीडियो देखी तो भाई जो पन्नी चुग रहा था ना उसकी जैसे शक्ल का लौंडा। मतलब ये मत समझना कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ पन्नी चुगने वाले का, कोई हेट नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कि पन्नी चुगने वाला जो बंदा था उसकी जैसी शक्ल का है। ये वे बाल करा जो नाई धोरे जाकर कहे भैया बाल में रंग भर दिए, मिट्टी कलर कर दे, मिट्टी कलर 20-20 रुपए में बाल रंगवाते ना, जो छोटे छोटे लाइन्स पहन ले ब्लू कलर के, इनको लगता है बहुत कूल लग रहे हैं, बट कोई समझदार आदमी इनको मिला ना, छोटी सी बात कहेगा, बहुत छोटी सी बात कि भाई तुम चूतिया हो बहुत बड़े। मैं कह रहा हूँ मेरे को तुम समझदार मानो ना मानो, पर मैं अपने आप को समझदार मानता हूँ। मैं इनको कह रहा हूँ जो जो छोटे छोटे बालक रहे हैं 13-14 साल के अंडे में निकले ना, बटर चिकन बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्लू लेंस पहन ले हैं बालों में, टेढ़े मेढ़े कलर करवा लें, कोई हरा करवा रहा, कोई कैसा भी खाकी कलर करवा रहा, समझ रहा हूँ तुम कलर करवा के डोले। भाई तुमको छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम चूते लगते हो बहुत बड़े। तो भाई इन छपरियों पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब तुम ये देखो अपनी स्क्रीन पे मेरी फेवरेट, देखो तुम फेवरेट नहीं मेरी सेकंड फेवरेट है, एक बार देखो तुम। इस लड़की के 13-14 मिलियन फॉलोअर्स है टिकटॉक पर, बहुत बड़ा नंबर होता है, और इसका नाम है पिकाचू गर्ल। मैं भी ऐसे शौक में था, मतलब क्यों चलो कोई बात नहीं, रख लिया, बट मैं आपको बताता हूँ, शायद दीदी को लग रहा हो ये ना बहुत ज़्यादा क्यूट नाम है, बट मैं आपको बता दूँ ऐसा ना, ये क्यूट नहीं है दीदी, आप इसको बदल लो या फिर मत बदलो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं बताता हूँ ऐसा पता कौन रखते नाम, वे बाड़क ना रहे हैं जो दिमाग, मतलब दिमाग में चोट लगी रहे, अगर कोई मिल गया, देखी होगी आपने रोहित मेहरा के सिर में चोट लग जाती है बचपन में, उनको कहता ना कि उम्र में बड़े हो गए बट अंदर से बाड़क रहेगा वो, मतलब है ना बावड़ी गैंड बालक, तो भाई वे रखते हैं ऐसे नाम। मैं सोच रहा हूँ अपना नाम रख लूँ बल्बासोर एल्विस, तब हम दोनों मैच कर पाएंगे। और मेरे को लग रहा है इस वीडियो के बाद ना जब इसके घर वाले फोन मिलाएंगे उन्होंने कहा कहाँ रहेगी पिकाचू, उन्होंने कहा माँ मैं आ रही हूँ माँ, मेरे टिकटॉक का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ माँ। तो जैसा कि इस पिकाचू की वीडियो में भाई तुमने देखा, तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम्हारा भाई समझाएगा पिकाचू क्या है ना, बहुत गहरा संदेश देना चाह रही हूँ, ठीक है तो मैं समझाऊंगा, डीकोड करूंगा तुम्हें। तो भाई पिकाचू के वीडियो की शुरुआत ऐसे होती है, उसमें मतलब कोई दूसरी बंदी पिकाचू के बॉयफ्रेंड को छेड़ देती है कि हाथ लगा देती है, जैसे कह रही कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाते हो, पिकाचू ने मारण भगा है उसको दूसरी छोरी को, बट गलती के कर दे रहे हैं पिकाचू अपने नजर के चश्मे लगाना भूल जाओ, दिखा ना आएगी जिस छोरी ने उनका छोरा छेड़ा है उसकी सेहत कैसी है। तो अगली फुटेज में तुमने देखा होगा पिकाचू ने छीता खूब गंदे तरीके, खून खून और बहुत पिटा है, थूत वूत सुझा दे दूसरी बंदी पिकाचू की, तो भाई हमारा पिकाचू खूब पिटाई हुआ है। तो भाई वो ना संदेश देना चाह रही है लड़कियों को जो वीडियो देख रही है, भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई अगर छेड़ा हाथ लगाओ कोई छोरी तो ना उसकी सेहत देख लेना, ना थोड़ी सी बकचोदी करो तो बहुत पिटोगी, बहुत छेती जाओगी जैसा पिकाचू छिता हमारा। तो प्लीज तुम ऐसी गलती मत करना, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड कोई छेड़ रही है लड़की तो यार छेड़वा लो ना, कहां जा क्या घट जाएगा तुम्हारा। तो भाई पिकाचू से आगे बढ़ते हैं, अगली वीडियो दिखाता हूँ तुम्हें मैं, ये देखो तुम वीडियो। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। चाबी कहाँ है?
गाल में डाल लियो क्या चाबिस्ता वासन। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, तुम मानोगे नहीं मेरी फेवरेट है, क्योंकि ये मेरा डिप्रेशन दूर करती है। जब भी मैं सोचता हूँ, जब मेरे घर वालों कोई डांट देता है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं कभी घर में फालतू हूँ क्या, मैं इस दुनिया में जब फालतू फील करता हूँ ना, तब मैं इसकी वीडियो देख लेता हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे से फालतू लोग भी बैठे हैं इस दुनिया में जो नहीं होने चाहिए इस दुनिया में। तो जैसा कि आप लोग मेरे को फॉलो करते होंगे, इंस्टाग्राम पे करते होंगे, टिकटॉक पे करते होंगे, आपने देखा होगा कि मैंने लड़कियों को क्लासेस दिए कि फेमस कैसे हुआ जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना, एक बार दोबारा यूट्यूब की ऑडियंस को बताता हूँ, तुमको ये करना, ये वाला होट ना ऊपर करके ना बकचोदी झाड़नी है, और तुमको भी मिल जाएंगे ऐसी डेस्परेट लौंडे कमेंट करने वाले बाहर। अभी मैं गली में जाऊंगा ना, भगवान कसम लॉकडाउन हो रखा फिर भी 10 लौंडे खड़े पा जाएंगे टिकटॉक पर कमेंट करते। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस होट ऊपर करके बकचोदी करनी, चाहे वो साला गाना रोमांटिक हो, मैया तो बैठ चो कुछ भी हो, तुम बस होट ऊपर करके बकचोदी झाड़नी है। अब जैसे दीदी ने इसमें बोला दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, ये ऐसे भी हो सकता था दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें, बट हमारी दीदी एक्सप्रेशन क्वीन है, तो उनको ऐसे करना है दोनों को फुर्सत है चलो इश्क करें। भाई सच बता रहा हूँ, पर्सनल चॉइस दे रहा हूँ, तुम्हारी भी होगी शायद अपनी कोई, बट मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ना, जानबूझ के ओवर का घुसेड़ना है। जब वीडियो देख रही हो तो भाई तू भी समझ जाए, या फिर ना समझे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, बट मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ कि ये ना फालतू पढ़ने की चीज़ें हैं, मैं क्या ही बोलूँ। और ये सब चीज़ें देख के, ये सब बकचोदी देख के मेरे को एक चीज़ याद आती है, तुम स्क्रीन पर देखो एक बार। अगर इसको तुम एक्सप्रेशन कहते हो तो भाई हमारी भैंस ने क्या गांड फाड़ एक्सप्रेशन दिए हैं, उसके 20-25 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं अब तक टिकटॉक पे, अगर उसे टिकटॉक चलाना आता होता तो। और ये फैजूरिया जितने भी हैं सारे उसके साथ डुएट बना रहे होते, बट क्यों नहीं बना रहे पता है क्यों? क्योंकि इसको एक्सप्रेशन नहीं कहते। यार बंद कर दो इस बावली हैंडपंती को यार, उठ को रेस्ट दे लो, नीचे तार लो इसको। तो बताओ 1857 में क्या हुआ था? मैं तो पैदा ही नहीं हुई थी। ये वीडियो देखी तुमने? हमारे पीछे ना किराएदार नहीं रहा, उसकी ना खूब गंदी शकल, बहुत गंदी शकल किया वो, उसका नाम पता क्या? रानी। और इसका नाम है ब्यूटी खान। और तुम मानोगे नहीं भाई, इसके 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, और ये ना मतलब